स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हाँ लो, तुम्हें क्या करना है, ऑन कर लो, कर दिया। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, जब मैं, ये क्या है, लगभग ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ये भी एक इंसुलेटर है, चेयर है ये भी इंसुलेटर है, क्योंकि किसकी बनी है, फाइबर की बनी है, एक तरीके का पॉलीमर है, प्लास्टिक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ऐसे हिट करते हैं, रब करते हैं, तो होता क्या है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे। अब चूंकि ये कंडक्टिंग बॉडी तो है नहीं, कंडक्टिंग का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर तार में कॉपर की जगह प्लास्टिक का तार ले लूँगा या रस्सी ले लूँगा, तो बताओ ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? इसका मतलब क्या है कि जो वायर, जो प्लास्टिक का वायर है, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, नो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ या ना? सभी लोग बोलो ना यार। अब हिलाना नहीं क्या बेटा, आवाज़ जाती है, ऐसे नहीं करो। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे मारता हूँ ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाएंगे, इस चेयर के पास, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं मिलेगी नीचे जाने के लिए, तो सर्किट होगा इनकम्प्लीट। और जैसे ही मैं इसको टच करूँगा, तो यहाँ पर सर्किट पूरा हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, तो ये बल्ब जल जाएगा और आप सभी को दिखेगा। समझ में आया? किस किस को लगता है बल्ब जलेगा ऐसे? लगता है किस किस ने देखा था पहले? सभी ने देखा था। तो अपन अब कोशिश करेंगे, इस बल्ब, तुम्हें लगता है कि जलेगा? लगता है नहीं जलता? जलता है, चलो ठीक है, अच्छा कर चुके हो, चलो अब अपन इस बल्ब को जलाएंगे। बेटा टेस्टर है, टेस्टर मतलब हम क्या करते हैं, जहाँ पर करंट आ रहा है ना, तो टच करके भी देख सकते हैं, लेकिन उससे झटका लग जाएगा, तो हम इससे चेक करते हैं। तो जहाँ पर करंट होता है ना, तो ये खुद ब खुद जल जाता है, ठीक है करें। चलो आशु आओ, ऐसे पीछे तुम्हें क्या करना है, ऐसे मारना है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, लो ठीक है, थोड़ा तेज़ तेज़ मारना, इतना तेज़ नहीं जिससे उसको लग जाए, आराम से, हंसेगा कोई नहीं, हाँ चलो ठीक है। यश उधर जाओ, ये वाली लाइट बंद, हाँ अभी रुक जाओ, मैं बोलूँगा तब बंद करना, थोड़ा क्लोजअप लेना कैमरामैन जिससे, रुक जाओ करंट मुझे लग गया रुक जा, चलो जब जब हम इसको दिखाएं ना, तो थोड़ा सा क्लोजअप ले लेना जब इस लाइट का, हाँ लगा मुझे, चलो फिर से करो, 1 2 3 आराम से, उसको नहीं लगे, थोड़ा तेज़ भी और उसको भी नहीं लगे, चलो। तो हो क्या रहा है बच्चों, रुक जाओ, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आ जा रहे हैं इसके बॉडी में, लेकिन अभी यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़मीन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको टच करता हूं, तो ज़मीन में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाएगा, यानी कि करंट गया। अरे रुक जाओ बेटा, लाओ चलो मैं कर देता हूं, बैठो बैठो, चलो तुम्हें इसको टच करना, उधर जाओ पीछे से घूम के, ठीक है। तो एक बार हम कर लेते हैं इसको, आप रब भी कर सकते हो यूजुअली ऐसे, चलो ऐसे लग रही है तुम्हें? अच्छा नहीं लग रही, तो हमको ना नॉर्मली क्या लेना है, वुलन क्लोथ लेना है, वुलन क्लोथ से बहुत जल्दी होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तुम्हें बस ऐसे पकड़ो, अब बंद करो ज़रा लाइट, बंद करो, अब हम इसको टच करेंगे, तुम करोगे टच और देखना लाइट जल रही है नहीं। रुक जा, जली जली थी, आया वो कैमरे में आया, चलो अब एक काम करेंगे, फिर से करेंगे हम, हंसेगा कोई नहीं, और रुक जाओ, टच करना, जब बोले तब करना, ओह क्लोजअप ले लेना, ठीक है। रुक जाओ, लग रही है क्या? अरे यार, सर आप इसे रब कर लीजिए। नहीं, तुम ये लो, तुम करो, लाइट ऑन करो यश, रहने दो, अच्छा रहने दो, मत करो, चलो कर लिया, और करो आराम से करो, 10 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो अब आराम से टच करेंगे इसको, तुम क्लोजअप लो थोड़ा इसका, पास आ जाओ, थोड़ा नीचे बैठ कर ले लो, क्लोजअप लो थोड़ा और, लो देखो अब टच करें, करो, थोड़ा सा जला, हल्का सा जला, करंट चला गया पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब ना, ऐसे मारिए बहुत, फिर अच्छा ऐसे करें, चलो ऑटो, 2 सेकंड रुक जाओ, बैठो, टिक जाओ, लो अब टच करो, जल्दी करो, हाँ अब सभी को देखा था, हाँ
चलो जिस जिसको जाना है तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आया समझ में। तो ये था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको जानो बेटा पीछे से जाओ, पीछे से यहाँ से नहीं, ठीक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो आपने यहाँ पर देखा, जब हम इसको इससे मारते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, और जैसे ही हम टच करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है, ठीक है, और बल्ब जल जाता है। चलो बंद कर दो।